राजगढ़ थाना क्षेत्र के पांडेहाता विसाता मार्केट में शुक्रवार की रात छत पर गोदाम का ताला तोड़कर नीचे घुसे चोरों ने तीन दुकानों में से लगभग 55,000 के नकदी और सामानों पर हाथ साफ कर दिए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सुबह दुकान पर पहुंचे दुकानदारों का जब चोरी का पता चला तो उन्होंने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस घटना की तफ्तीश में जुट गई है। पांडेहाता मार्केट में शकील अहमद, मिर्जा शाहरुख और फूल बाई के विसाता की होलसेल की दुकान है। शुक्रवार की रात चोरों ने उनके दुकानों में घुसकर हजारों रुपए पर हाथ साफ कर दिया और जाते जाते एक सीसीटीवी कैमरा भी उठा ले गए। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दुकानदारों ने बताया। लगातार कई दुकान में कई दुकानों के साथ ऊपर से अंदर गए। सीढ़ी खुला रहता है, नीचे का रास्ता है, नीचे दुकान है, ऊपर समझ लिए जितनी भी दुकान में चोरी हुआ है ऊपर बचते से ही हुआ है। बहुत रास्ता है, नहीं है ऊपर जाइए, चले जाइएगा। दिन का खुला रहता है, रात में नहीं जाने, रात भर मेहनत करते हैं, चलिए आइए। पहली घटना नहीं, मैं रात में आया भी था, पानी पड़ने का इस्तेमाल एक साल के अंदर, ये छठी घटना खुली रहती है, सीरियल ये छठी घटना है। कोई आज से पहले एक महीना पहले ये श्याम पटवा की दुकान उसमें हुआ, इससे पहले लक्ष्मी पटवा की 3 महीने पहले उनके दुकान में हुआ, उससे पहले कॉम्प्लेक्स है 7-8 महीने पहले उस कॉम्प्लेक्स के अंदर हुआ। मिर्जा शाहरुख, क्या हुआ? हमारी दुकान में चोरी हुई है, ये ताला तोड़ के नीचे आया गया है, उसमें से काउंटर निकाल के ताला को गुल्लक था उसको तोड़ के उसमें कम 27-28 हज़ार रुपये कैश था, वो लेके गायब हो गया। कुछ माल भी चोरी हुई है। पुलिस आई थी, हाँ तहरीर दिए हैं। शकील अहमद, क्या हुआ? हमारे ऊपर का ताला तोड़ के अंदर जा गया है, पूरी गुल्लक का पैसा जितना भी रिश्कारी नोट था 7-8 हज़ार रुपया ले जा गए हैं। सब ऊपर से नीचे उतरे हैं, सब ताला तोड़ करके सब पूरा चोरी, सब जो रेजगारी थी और वो सब पैसा वैसा सब ले गए उठा खाल के। ये इस पर घटना लगातार हो रही है क्या? हाँ महीने, 2 महीने, 3 महीने में, 5वां छठा केस है ये।